हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका और एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऐसे 12 फोन्स जो कि आते हैं 12,000 की प्राइस पॉइंट पर। ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स के फ़ोन हमने कवर किए हैं, तो आप देख सकते हो आपके लिए सबसे बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो आज की हमारी लिस्ट में हमारा सबसे पहला फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M21। ये आता है 4GB रैम और 64GB रोम के साथ। साथ ही साथ इसमें एक्जिनोस का 9611 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। लेकिन इस फ़ोन की सबसे खास बात है इसका स्क्रीन। अगर ये प्राइस पॉइंट पर आप देखने जाए तो हमें मोस्टली IPS पैनल देखने मिलते हैं, लेकिन इस फोन में हमें देखने मिलता है AMOLED डिस्प्ले, जिसके वजह से हमारे जो पूरा व्यूइंग एक्सपीरियंस है हमारे किसी भी एंटरटेनमेंट का, या फिर अगर आप गेम्स भी खेलना चाहो तो जो पूरा डिस्प्ले है वो काफ़ी अच्छा निखर के हमें यहाँ पे देखने मिलता है। जहाँ तक कैमरा की बात है, इसमें हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने मिल जाता है, जिसमें कि हमें 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल के तीन कैमरास देखने मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरा इसमें हमें देखने मिलता है 20 मेगापिक्सल का। एंड्रॉयड वर्जन 11 पे ये बेस्ड है और One UI 3.1 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी बैटरी भी अगर बाकी फोन से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी है, 6000 mAh की बैटरी है, जो कि आपको रेगुलर यूसेज के अंदर एक अच्छा बैकअप दे सकती है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमें 12,499 यानी 12,499 तक देखने मिल जाता है। हमारे बजट से 500 रुपये ऊपर है, लेकिन भाई वो AMOLED स्क्रीन के लिए उतना देना तो बनता है ना। हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो है Realme का C25i। अब इस फोन की खासियत ये है कि अगर आप एक स्टोरेज सेंट्रिक फोन देखना चाहते हो तो इसमें हमें 4GB रैम मिलती है, लेकिन इसी के साथ 128GB तक रोम देखने मिलती है, जो कि एक्सपांडेबल है अप टू 256GB। इसमें एक 6.5 इंचेस का HD डिस्प्ले है। कैमरास की बात करें तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा देखने मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। साथ ही साथ इसमें जो फ्रंट कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। इसके कैमरा से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अगर रेगुलर लाइट है, सनलाइट है, तो उसमें तो अच्छे से काम कर जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़े से डार्क एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है उतना अच्छा काम ना करे। इसमें यूनिसॉक का T610 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और इसमें 5000 mAh की बैटरी है और ये फ़ोन एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। तो गाइज, हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो इस प्राइस रेंज में यानी 12,000 की प्राइस रेंज में डिस्प्ले के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा फोन है, जो कि है टेक्नो पोवा 2। ये 4GB रैम और 64GB रोम के साथ आता है। इसमें अगर कैमरा की बात करें तो इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने मिलता है और 2 मेगापिक्सल के सेंसर देखने मिल जाते हैं। इसी के साथ एक AI लेंस भी मिल जाता है। तो इसमें टोटल हमें क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने मिलता है। इसमें अगर प्रोसेसर की बात करें तो इसमें हीलियो G85 का गेमिंग प्रोसेसर है, तो गेमिंग या फिर एंटरटेनमेंट आप कह लीजिए उसके लिए फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। अभी फाइनली इसके स्क्रीन की बात करते हैं। स्क्रीन अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा स्क्रीन है, जो कि है 6.95 इंचेस, यानी ऑलमोस्ट 7 इंच का स्क्रीन हमें इसमें देखने मिल जाता है। कुछ साल पहले तक मुझे याद है कि 7 इंच के तो टैब हुआ करते थे माइक्रोमैक्स वगैरह कंपनीज़ के, तो अभी 7 इंच में यानी ऑलमोस्ट 6.95 इंचेस में हमें फ़ोन देखने मिल रहे हैं, वो भी फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ है। तो हमें डिस्प्ले की कोई भी चिंता करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो आता है 180 हर्ट्ज़ के रिस्पॉन्स रेट के साथ। और इसमें खास बात यह है कि रियर के साथ साथ जो फ्रंट कैमरा है उसके लिए भी हमें यहाँ पे फ्लैश देखने मिल जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर इतना बड़ा फ़ोन है तो इसके लिए बैटरी भी हमें थोड़ी ज़्यादा ही लगेगी। तो इसमें 7000 mAh की बैटरी हमें देखने मिल जाती है, जो कि आती है 18W फास्ट चार्जिंग के साथ। और इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें देखने मिलता है 12,000 रुपये की प्राइस रेंज पे। जो हमारा नेक्स्ट फ़ोन है वो है Realme का Narzo 50A। ये आता है 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। तो यहाँ पे अगर आपको स्टोरेज सेंट्रिक फ़ोन की ज़रूरत है तो ज़रूर आप ये फ़ोन को कंसीडर कर सकते हो। इसमें MediaTek का हीलियो G85 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि प्रोसेसिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है अगर बाकी के कंपटीशन से भी हम अगर इसको कंपेयर करें। इसमें भी हमें एक्सपांडेबल स्टोरेज मिल जाती है अप टू 256GB। एक 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले है। और कैमरास की बात करें तो इसमें हमें ट्रिपल कैमरा देखने मिल जाते हैं, जो कि है 50 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल के। फ्रंट में हमें देखने मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी हमें देखने मिल जाती है 6000 mAh की। इसके प्राइसिंग की बात करें तो जो 4GB एंड 64GB वाला वेरियंट है वो हमें देखने मिल जाएगा 11,499 के प्राइस पॉइंट पर। और साथ ही साथ जो 4GB एंड 128GB वाला वेरियंट है वो हमें देखने मिल जाएगा 12,500 की कीमत पर। दोस्तों, जो नेक्स्ट फोन है वो प्रोसेसिंग एंड स्पेस के मामले में काफी ज्यादा अच्छा है, जो कि है Redmi का 9 Active। इसमें अगर हम बाकी के फोन से कंपेयर करें तो वहां पे हमें 4GB तक की रैम मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें 6GB की रैम साथ ही साथ 128GB की स्टोरेज देखने मिल जाती है। इसमें Helio G35 वाला ऑक्टा कोर प्रोसेसर है।
अगर कैमरे की बात करें तो इसमें हमें 13 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल का एक डुअल रियर कैमरा देखने मिल जाता है, और फ्रंट की बात करें तो इसमें हमें 5 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने मिलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज सेंट्रिक जो फोन्स है उनमें कैमरे की अपेक्षा करना थोड़ा सा कहीं पर वो फिट नहीं होता कंपनी के हिसाब से, तो इसलिए इसका भी कैमरा जो है वो ठीक ठाक है। यानी डे लाइट में तो आपको अच्छी फोटोज मिल जाएंगी, लेकिन नाइट टाइम में आपको थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो सकती है। इसमें 5000 mAh की बैटरी है जो कि एक 10 वॉट के चार्जर के साथ आती है, और इसमें एक डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है। तो अगर आपको स्पेस की कोई भी दिक्कत होती है, अगर आप बहुत बड़े बड़े फाइल्स के साथ काम करते हो, तो आपको यहाँ पे ये फोन में तो कोई इश्यू नहीं होने वाला। इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये हमें देखने मिल जाता है 11,499 के प्राइस पॉइंट पर। हमारी लिस्ट में अगला जो फोन है वो है टेक्नो स्पार्क 70, और भाई इस फोन में तो टेक्नो वालों ने धमाका कर दिया है। फ्रंट में आपको दो दो सेल्फी फ्लैश देखने मिलते हैं, जो लोग बहुत ही ज्यादा सेल्फी एडिक्ट है उनके लिए तो भाई नाइट टाइम हो या कुछ भी हो आप अपने फोन से ही उसमें दिवाली बना दोगे पूरा। इसमें 4GB की रैम और 128GB की स्टोरेज हमें देखने मिलती है। इसका रियर कैमरा हमें देखने मिलता है 48 मेगापिक्सल का, और साथ ही साथ जो सेल्फी कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि जैसे मैंने बताया ड्यूअल फ्रंट फ्लैश के साथ आता है। इसमें बैटरी भी जो है वो 6000 mAh की बैटरी है, तो शायद मुझे लगता है टेक्नो वालों को सेल्फी फ्लैश और बैटरी से बहुत ज्यादा मतलब लगाव है, वो हर अपने फोन में ये दोनों चीजों को भर भर के डाल देते हैं। इसके स्क्रीन साइज की बात करें तो ये हमें 6.52 के एक HD+ IPS डिस्प्ले के साथ देखने मिलता है, और हीलियो G35 प्रोसेसर के साथ आता है, तो ओवरऑल प्रोसेसिंग के मामले में भी ये अच्छा ही है, तो ओवरऑल नॉर्मल यूसेज के लिए भी ये फोन अच्छा ही है। इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें देखने मिल जाता है 10,599 रुपीस की प्राइस पॉइंट पर। हमारा जो नेक्स्ट फोन है वो है इन्फिनिक्स का हॉट 10S। इसमें खास बात यह है कि इसमें हमें 6GB तक की रैम देखने मिल जाती है, जो कि आती है 64GB स्टोरेज के साथ। तो अगर 6GB रैम दे रहे थे तो शायद 128GB कहीं पे दे सकते थे स्टोरेज। लेकिन इसकी खासियत है इसका डिस्प्ले, इसमें हमें डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट वाला देखने मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी गेमिंग करते हो या ऐसे कोई फास्ट प्रोसेसिंग वाला जिसमें आपको डिस्प्ले की ज़रूरत लगती है वैसा कोई काम करते हो तो उसमें आपको ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें एक 6.82 इंचेस का HD+ डिस्प्ले है, तो स्क्रीन साइज भी काफ़ी अच्छी है। 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल और एक AI लेंस कैमरा, ऐसे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप इसमें देखने मिल जाएगा। साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा है। इसमें प्रोसेसर हमें देखने मिल जाता है MediaTek का हीलियो G85 प्रोसेसर, और 6000 mAh की बैटरी के साथ 11,000 रुपयों में ये फोन हमें देखने मिलता है। अगला जो फोन है वो थोड़ा सा अंडररेटेड मुझे लगा, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में मुझे पहला ये फोन दिखा है जो कि स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ आता है इंस्टेड ऑफ MediaTek। इस फोन का नाम है Redmi 9 Power। ये एक 6.53 इंचेस के फुल HD+ IPS डिस्प्ले के साथ आता है। इसी के साथ इसके जो क्वाड कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल तक के है, यानी जो प्राइमरी कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और जैसे मैंने बताया इसमें Qualcomm का Snapdragon 662 प्रोसेसर हमें देखने मिलता है। साथ ही साथ इसमें 6000 mAh की बैटरी है। इसमें आपको तीन वेरिएंट्स देखने मिल जाएंगे, जो कि है 4GB+64GB, 4GB+128GB एंड 6GB+128GB के साथ। तो जो हमारे प्राइस पॉइंट के साथ जो अलाइन कर रहा है वो है 4GB एंड 128GB वाला वेरिएंट, जो कि आपको मिल जाएगा 12,500 रुपये तक की प्राइस पॉइंट पर। और अगर आप थोड़ा सा अपने बजट को इंक्रीज कर सको और आपको और थोड़ा सा परफॉर्मेंस चाहिए हो अपने फ़ोन से, तो आप 6GB+128GB वाला जो वेरिएंट है उसको भी ऑप्ट कर सकते हो। जो हमारा नेक्स्ट फोन है वो है पोको का M3। तो जैसे ही हम पोको का नाम लेते हैं आपको बिल्कुल ऐसे तड़कते फड़कते येल्लो रेड ऐसे कुछ कलर्स याद आए होंगे, बिल्कुल सही। पोको का M3 आता है 6GB रैम और 64GB रोम के साथ, जो कि एक्सपांडेबल है अप टू 512GB। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज की दिक्कत तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ये आता है 6.53 इंचेस के एक फुल HD+ डिस्प्ले के साथ, और इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें है एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर और 22 मेगापिक्सल के अदर सेंसर्स। इसमें फ्रंट कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। इसमें 6000 mAh की बैटरी है, और इसमें प्रोसेसर है सेम Redmi 9 Power वाला, यानी Qualcomm Snapdragon 662, और ये हमें देखने मिल जाता है 11,499 के प्राइस पॉइंट पर। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखी और इसमें से आपको एक भी फोन पसंद नहीं आया, आपको चाहिए कुछ रॉ, कुछ देसी, कुछ अपने पर की फीलिंग होने वाला फोन, तो नेक्स्ट फोन है हमारे पास माइक्रोमैक्स का InNote 1। इसके स्टोरेज की बात करें तो इसमें हमें 4GB रैम के साथ 64GB रोम का ऑप्शन देखने मिलता है, और 4GB रैम और 128GB रोम का भी ऑप्शन देखने मिलता है। इसमें MediaTek का हीलियो G85 प्रोसेसर है, जो कि परफॉर्मेंस के मामले में काफी अच्छा है।
इसमें हमें 4 कैमरास देखने मिल जाते हैं, जो कि है 48+5+2+2 के कॉन्फ़िगरेशन में। जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल्स का। इसमें हमें 6.67 इंचेस का एक फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने मिल जाता है और साथ ही साथ 5000 mAh की बैटरी दी गई है। और ये हमें देखने मिलता है 11000 के प्राइस पॉइंट पर। जो हमारा नेक्स्ट फोन है उसका जो पूरा डिजाइन लैंग्वेज है वो थोड़ा सा बाकी के फोन से थोड़ा सा हटके है। ये फोन है Redmi 10 Prime, 4GB RAM एंड 64GB ROM, इसी के साथ 6GB RAM एंड 128GB ROM के साथ ये फोन हमें देखने मिलता है। इसमें हमें Helio G88 प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि Helio G85 से एक थोड़ा सा बेटर वर्जन है। इसमें हमें 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसका अगर हम डिस्प्ले देखें तो काफ़ी मिनिमल बेजल से, मतलब बेजल सबको ज़्यादा करके कहीं पे देखने मिलेंगे ही नहीं। साथ ही साथ जो कैमरे के लिए एक छोटा सा ड्रॉप होता है वो भी यहाँ पे नहीं है, उसके जगह यहाँ पे इन्होंने सेंटर में डॉट दिया हुआ है, उसमें कैमरा फिट किया हुआ है। तो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट में ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न दिखने वाला फ़ोन है। इसमें अगर बैटरी की बात करें तो इसमें हमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 18W फास्ट चार्जर के साथ आती है। और जो बॉक्स में आपको चार्जर मिलेगा वो अप टू 22.5W तक सपोर्ट करता है। और इसका जो 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट है वो मिलता है हमें 12,500 यानी 12,499 के प्राइस पॉइंट पे। तो फाइनली जो हमारा लास्ट फोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी F22। ये हमें 4GB RAM एंड 64GB ROM, साथ ही साथ 6GB RAM एंड 128GB ROM के साथ देखने मिलता है। और इसकी खास बात है इसकी स्टोरेज, आप इसमें अप टू 1TB तक एक्सपांडेबल स्टोरेज मेमोरी कार्ड ऐड कर सकते हो। 6.4 इंचेस का इसमें एक HD प्लस डिस्प्ले हमें देखने मिल जाता है और एक क्वाड कैमरा सेटअप हमें इसमें देखने मिलता है, जो कि है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 2 एंड 2 मेगापिक्सल, ऐसे हमें 4 कैमरा इसमें देखने मिलते हैं। जो फ्रंट कैमरा है वो एक 13 मेगापिक्सल का सेंसर है। इसमें MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर हमें देखने मिलता है और साथ ही साथ इसमें 6000 mAh की बैटरी है। तो सैमसंग की रिलायबिलिटी जिन लोगों को पसंद है वो ज़रूर इस फ़ोन को चेकआउट कर सकते हैं। इसके प्राइस की बात करें तो ये हमें ऑलमोस्ट 12,500 के प्राइस पॉइंट पे देखने मिल जाता है। तो इस प्राइस पॉइंट में आपका फेवरेट फ़ोन कौन सा है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप ऐसे ही न्यू वीडियोज़ हमेशा देखते रहो। फिर मिलेंगे ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।